चलिए बेटा आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 64। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 19 में हम क्वेश्चन नंबर 63 तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। ये होगी हमारी वीडियो नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमें इसके अंदर गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है राम श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1:2। बेटा राम श्याम और मोहन तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5 हिस्से बना के 2:1:2 में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देयर कैपिटल वर फिक्स्ड, अच्छा कैपिटल अकाउंट हमें इनकी फिक्स्ड गिवन है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली है। कहते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, जब हमारा ईयर एंड हुआ 2018 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू दैम 9% इंस्टीड ऑफ 10%। हमने उनके अकाउंट में जो इंटरेस्ट दिया है बेटा, इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स को जो हमने इंटरेस्ट पे करा है वो हमने 9% करा है इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम। यानी कि हमें कितना इंटरेस्ट पे करना था, हमें इंटरेस्ट पे करना था 10% पर एनम, बट हमने सिर्फ 9% ही पे करा है, 1% हमने पे नहीं करा, ठीक है। तो अब हम उसे पे कर देंगे, लेकिन जब हम पे करेंगे तो उसके लिए हमें पैसा भी तो चाहिएगा, यानी कि फर्म को पैसा भी तो चाहिएगा। तो फर्म क्या करेगी, इन पार्टनर से ही वो पैसा वापस मंगा लेगी। किस रेशियो में मंगाएगी, जिस रेशियो में ये अपने घर पे पैसा लेके गए होंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट था वो था हमारा 2.5 लाख रुपए। खैर हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी 2.5 लाख का प्रॉफिट था उसमें से 9% इंटरेस्ट देने के बाद ये प्रॉफिट ऑलरेडी ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 2:1:2, क्योंकि लास्ट ईयर तो हमारा खत्म हो चुका है। अब इस ईयर में हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 64 टी एस ग्रीवाल का क्वेश्चन नंबर 64 है। एडिशन जो है मेरी बुक का वो है 2018, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है राम श्याम एंड मोहन, तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1:2, ठीक है। अब हुआ क्या कि इनको IOC अलाउ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एट द रेट 9% इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एट द रेट 9% क्रेडिट कर दिया है पार्टनर्स के अकाउंट में, लेकिन हमें पे कितना करना था, हमें पे करना था 10% पर एनम, ठीक है। हमें 10% पे करना था जिसमें से 9% पे कर चुके हैं, तो एक काम करते हैं हम 1% और पे कर देते हैं। हमें पार्टनर्स के कैपिटल गिवन है, कितना कितना कैपिटल है क्वेश्चन के अंदर, हमें कैपिटल गिवन है 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। चल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हो गई हमारी एनालिटिकल टेबल, ये हमने फर्म का अकाउंट बना लिया, ये एक पार्टनर का, ये दूसरे पार्टनर का, ये तीसरे पार्टनर का, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं RSM, ये हो गया फर्म, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अच्छा हमने कितना IOC कम पे करा था, IOC एट द रेट 1%, 1% हमने कम पे करा था, तो अब वो हम पे कर देंगे, अच्छा ठीक है। अच्छा 1% कितना निकल के आएगा, 3 लाख का 1% आएगा 3,000 रुपये। पार्टनर को हमने 1,000 कम पे, सॉरी 1% कम पे करा था, तो अब इसके अकाउंट में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, इनके अकाउंट में भी क्रेडिट कर देंगे और इनके अकाउंट में भी क्रेडिट कर देंगे, सॉरी ये आ जाएगा 2,000।
6,000 तो टोटल आएगा। अच्छा, फर्म के अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए, सॉरी, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए फर्म के अकाउंट में भी तो डेबिट करना पड़ेगा। लो, फर्म के लिए हमने खर्चा बना दिया, लेकिन फर्म के पास तो इतना पैसा है ही नहीं, तो फर्म के पास पैसा आएगा कहाँ से? फर्म को पैसा कौन देंगे? RSM, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट हुआ था, ये तीनों पार्टनर्स आपस में अपने घर लेके चले गए थे, तो जिस रेशियो में लेके गए थे उसी रेशियो में ही अपने घर से पैसा लेकर आ जाएंगे। 6,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 1,200। यहाँ पे आ जाएगा 2,400, 1,200, 2,400। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने इनसे मंगा लिया, ठीक है? ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा, मतलब 6,000, 6,000, ये हम क्लोज कर देते हैं यहीं पे। यहाँ पे हम खाली टोटल करते हैं, 2,000, 2,400, 1,000, 1,200, 3,000 और 2,400। फिर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आ गया? 600। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 200। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना निकल के आ जाएगा? 400। अच्छा, इन दोनों में स्ट्रांग कौन है? 3,000 स्ट्रांग है, और स्ट्रांग जो है उसका नेचर है क्रेडिट। इन दोनों में 1,200 स्ट्रांग है, डेबिट। इन दोनों में 2,400 स्ट्रांग है, डेबिट। हमारी जनरल एंट्री तैयार हो जाएगी क्या? एस करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है? तो एस करंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, हाँ, एम्स करंट अकाउंट डेबिट, एम को करेंगे 400 से, एस को करेंगे 200 से, और टू आर्स करंट अकाउंट। आर के करंट अकाउंट में कितना बैलेंस आ जाएगा? आर के करंट अकाउंट में आ जाएगा 600 बैलेंस, ठीक है बेटा? बस छोटा सा क्वेश्चन था, अब अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं? हमें दे रखा है मीता उषा आर द पार्टनर्स, मीता और उषा जो है पार्टनर्स है इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंसेज ऑफ रुपीज 1,40,000 रुपए और 1,20,000 रुपए। बेटा क्वेश्चन में हमें गिवन है मीता और उषा दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, ठीक है? देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015, इनका जो कैपिटल अकाउंट है 1 अप्रैल 2015 को, वो शो कर रहा है 1,40,000 और 1,20,000 का कैपिटल, ठीक है? आगे करते हैं कंटिन्यू। द ड्रॉइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16, कह रहा है कि 2015-16 में, यानी कि जिस साल का इनका क्या है ये दे रखा है कैपिटल, उस साल में इन्होंने जो ड्रॉइंग्स करी है वो कितनी कितनी हमें दे रखी है? हमें दे रखा है द ड्रॉइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर 32,000 24,000 रेस्पेक्टिवली। इनकी ड्राइंग है 32,000 और 24,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016, और ये दोनों ही अमाउंट उन्होंने कब विड्रॉ करे थे? 1 जनवरी 2016 को करे थे, ठीक है? आगे कह रहा है इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कह रहे हैं जब 31 मार्च 2016 का हम अकाउंट बना रहे थे तो हमने कुछ ट्रांजेक्शन करना भूल गए थे। अच्छा, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करना भूल गए थे उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ की बने। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एट द रेट 6% पर एनम, वो भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम, ये देना भूल गए थे। कह रहा है मीता, मीता वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ रुपीज 8,000 फॉर द होल ईयर, उसे एक साल का 8,000 रुपये का हमें कमीशन देना था, हम ये चीज भी चीज़ भूल गए थे, ठीक है? अब एक काम करते हैं, एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, हमें प्रॉफिट के बारे में तो पता है नहीं, ठीक है ना, कि कितना प्रॉफिट था, कैसे था, ठीक है? तो हम प्रॉफिट को तो रिवर्स कर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, यानी कि जो जो चीज़ हमें गिवन है, हम खाली उसकी एंट्री यहाँ पे पास कर देते हैं, यानी कि IOC हम लगा देते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देते हैं, मीता वॉज एंटाइटल कमीशन 8,000 रुपये, हम इसकी भी एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है? तो जो चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारी हम ट्रांजेक्शन जो है ये फीड कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है? अच्छा, इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हम सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं।
तीन पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स का अकाउंट बना लिया, एक फर्म का बना लिया, पार्टनर्स का, अच्छा सॉरी यार दो ही पार्टनर्स हैं, इसे हम काट देते हैं। कौन कौन? फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या चीज भूल गए थे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे कुछ चीज़ें हम भूल गए थे। कौन कौन सी चीज़? IOC एट द रेट 6%। तो सबसे पहले हम IOC निकाल देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा IOC एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। अच्छा कितना निकल के आ जाएगा IOC एट द रेट 6%? तो IOC निकल के आ जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। कैपिटल कितनी दे रखी है हमें पार्टनर्स की? हमें पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 140,000 और 120,000। 140,000 का 6% कितना निकल के आ जाएगा? 8400 पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड पार्टनर कितना है? 120,000 और उसका 6% कितना निकल के आ जाएगा? 6% ये आ जाएगा 7200, जो कि पार्टनर के लिए सॉरी फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर 8400, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? 15600। सेकंड हमें क्या पे करना था? सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल लेते हैं। अच्छा देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ईयर एंड हो रहे 31 मार्च 2016 को और जो ड्राइंग की गई है वो कौन सी तारीख की है? कह रहा है ड्यूरिंग 15-16 कितना देर का द ड्राइंग्स ऑफ द मीटा एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 32,000 और 24,000 रेस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन 1 जनवरी 2016 से लेके 31 मार्च 2016, ईयर एंड कितने महीने हुए? सिर्फ 3 महीने, यानी हमें सिर्फ 3 महीने का ही इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। 3 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 32,000 इंटू 6%, ये तो एक साल का निकल के आ गया, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये निकल के आ जाएगा 480। तो 480 कट जाएगा मीटा के अकाउंट से। सेकेंड है कितना? 24,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये आ जाएगा 360, ये आ जाएगा इस पार्टनर के अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर के अकाउंट से पैसा कटेगा लेकिन फर्म के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 360 प्लस 480 यानी कि 840। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू। इसके अलावा और कौन सी चीज़ थी? इसके बाद एक लास्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि मीटा वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। जो मीटा है उसको हमें क्या देना था? कमीशन देना था 8,000 का पूरे साल का, ठीक है। एक साल का 8,000 का कमीशन हमें देना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8,000 मीटा के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे सब में कैंसिल और यहाँ पे फॉर्म में के लिए क्या हो जाएगा? ये खर्चा हो जाएगा, तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया। ये हमने क्या दिया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6%, ये तो चार्ज करा है हमने पर एनम। अच्छा ये क्या है? कमीशन टू पार्टनर्स, ये हमने कमीशन दिया है किसको? मीटा को दिया है, ठीक है। अच्छा चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन को अब हम फिनिश करेंगे। देखो फिनिश कैसे करेंगे, फर्म के पास जो खर्चा है वो टोटल खर्चा कितना है? 15,600 प्लस 8,000 यानी कि 23,600 का खर्च है, ठीक है। 23,600 मैंने सबसे पहले आपको बताया था फर्म के अकाउंट को हमें क्लोज करना होता है, जिसमें से हमारे पास 23,600 का तो एक्सपेंडिचर है, जिसमें से 840 रुपये ऑलरेडी हमें पार्टनर से ही रिसीव हो चुका है, तो हमें और कितने की नीड है? एक मिनट बेटा थोड़ा गलत हो गया, 23,600 माइनस 840, हमें 22,760 रुपये की और नीड है। तो ये कौन लेकर आएगा? ये पार्टनर्स अपने घर से लेकर आएंगे। किस रेशियो में लेकर आएंगे? जिस रेशियो में प्रॉफिट को अपने घर पे लेके गए होंगे उसी रेशियो में वापस पैसा लेकर आ जाएंगे, यानी कि 2:3 के रेशियो में। कितना आ जाएगा? 22,760 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, यानी कि पार्टनर के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 9104, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, यहाँ पे हम लिख देंगे कितना? 13656। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गएंगी। उसके बाद इसका टोटल करोगे तो ये तो फिर से फिनिश हो जाएगा अपना।
ये हमेशा इक्वल आ जाता है। अब इसका टोटल कर देंगे 7200, इसका टोटल करेंगे 13656 प्लस 360, ये आ जाएगा 14016, ये आ जाएगा 16400, ये आ जाएगा 480 प्लस 9104 यानी कि 9584। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे कितना निकल के आएगा, माइनस 16400 यानी कि 6816। इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, 7200 माइनस 14016 माइनस कितना है 7200, दैट इज 6816। अच्छा यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, डेबिट, यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी जर्नल एंट्री जो हमारा मेन आंसर होता है वो जर्नल एंट्री होता है, इसकी हम एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेटा कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आ गया 6816। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास को हम उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे अपना। ठीक है, थैंक यू।